चलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट परीक्षा जो कि आपकी 4 जनवरी को होने वाली है, पोस्टपोन हो गई। 24 दिसंबर से परीक्षा आपकी 4 जनवरी को होगी, समय आपको मिल गया है। तो जीके के सामान्य ज्ञान के 20 धांसू प्रश्न जो कि संभावित प्रश्न होंगे, आपकी परीक्षा में जरूर मिलेंगे एक प्रश्न, ठीक है ना। तो आखिरी समय का लेख ये आपका ब्रह्मास्त्र है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कहाँ है? सही जवाब आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, ठीक है ना। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारी पानी की लैगून झील है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में चले। अगले प्रश्न में देखेंगे, निम्न में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पीत है जो क्रांति से, पीत क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है, मत्स्य उत्पाद है, अनाज उत्पाद है, दुग्ध उत्पाद है और तिलहन उत्पाद है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि तिलहन उत्पाद से रिलेटेड है, पीत क्रांति का, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये देखिएगा, जो मत्स्य उत्पाद है वो किससे रिलेटेड है? ये आपका नीली क्रांति से रिलेटेड होगा, और दुग्ध उत्पाद आपका जो है वो सफ़ेद क्रांति से रिलेटेड होगा, और अनाज क्रांति की अगर बात करेंगे तो ये आपका हरित क्रांति से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, जो कि पीत क्रांति है, तिलहन उत्पाद से रिलेटेड है, ठीक है ना, और नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पाद से रिलेटेड है, दुग्ध उत्पाद आपका सफ़ेद क्रांति से जाना जाता है, और अनाज आपका हरित क्रांति से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, इंदिरा कॉल, गौरमोता, और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, किबिथू, इंदिरा पॉइंट। चार ऑप्शंस में से जो दक्षिणी छोर है भारत का वो कौन सा है? तो दोस्तों, दक्षिणी छोर के नाम से जो जाना जाता है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है ना। तो किसकी किसके साथ लगती है? ये लगती है पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, भूटान के साथ में, श्रीलंका के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये क्लियर होता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से मिलती है? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और भूटान से, श्रीलंका आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों कितनी है? 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? ये केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दमन और दीव है, पांडिचेरी है, जिसमें से सर्वाधिक बड़ा आकार का क्षेत्र कौन सा है, यानी केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि पांडिचेरी है, ठीक है ना। चलिए तो अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही वाला ऑप्शन बताना है, ठीक है ना। तो भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो चलिए देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। चलिए तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, विक्रमशिला सेतु, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सेतु है आपका भूपेन हजारी सेतु है, जो कि असम में है और भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसकी लंबाई 9,150 है, और इसकी लंबाई विक्रमशिला सेतु की जो लंबाई है 5,575 मीटर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो प्रेजेंट टाइम की अगर बात करेंगे तो भूपेन हजारिका सेतु है, जो कि असम में है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक है, जिसकी लंबाई 9,150 है। अगले प्रश्न में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2015 में पूछा गया है, किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है?
किसी भी क्षेत्र की अगर हमें औसत जलवायु का पता करना है तो इनमें से किसका योगदान नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, वृक्षों की संख्या, ठीक है ना। देखिए सॉरी, वर्षा का योगदान जरूरी है, वायु की गति का योगदान जरूरी है, आर्द्रता का योगदान जरूरी है। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन दिया है दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी दूसरा स्थान है भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में, ठीक है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन है? दक्षिण से उत्तर है, दक्षिण से पूर्व, दक्षिण उत्तर है, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो जान लीजिए इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा, दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के तीन मौसम पाए जाते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी हो गया, तटीय केरल हो गया और तटवर्ती तमिलनाडु हो गया। तो भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के तीन मौसम पाए जाते हैं? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो धान की फसल के लिए तीन मौसम जहां पर पाए जाते हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जोजिला पास किससे जोड़ता है? जोजिला पास किसे जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है, नेपाल और तिब्बत को जोड़ता है, लेह और कारगिल को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, जोजिला पास है वो किसे जोड़ता है? तो दोस्तों इसमें जो सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला पास, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, भारत में पाए जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? गैर धात्विक खनिज कौन सा है जो कि भारत में पाया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, क्रोमाइट है, बॉक्साइट है, हेमटाइट है और पायरोफाइलाइट है। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका है पायरोफाइलाइट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड 2015 परीक्षा में पूछा गया है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोदावरी है, यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका गंगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? मतलब सही सुमिलित का मतलब समझ रहे हैं ना, जो सही मिलान है। तो सही मिलान किसमें है? आंधी दिया है उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी दिया है पश्चिम बंगाल, लू उत्तर दिया गया है पश्चिम भारत, आम वर्षा उड़ीसा। तो सही ऑप्शन बोला गया है इसमें, सही सुमिलित कौन सा है? तो यहाँ पर जो सही सुमिलित है वो है आम वर्षा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, जो कि सही सुमिलित नहीं है, बाकी ये सारे सही सुमिलित हैं, ठीक है ना। सही सुमिलित आंधी जो कि उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, लू पश्चिम भारत, आम वर्षा जो कि उड़ीसा, ये सही सुमिलित नहीं है। यानी आम वर्षा जो है, यानी पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन था ये बिल्कुल गलत सुमिलित है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है? तो इसमें दिया गया है सतपुड़ा है, नीलगिरी है, अरावली है और विंध्या है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अरावली, ठीक है, जो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर,
वान खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का लगभग कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 10%, 20%, 25%, 30%। तो सही ऑप्शन है 25%, जो कि वन खंड, ठीक है, एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है और भारत के 25% भूमि क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है और चतुर्थ है। ये फर्स्ट रिगार्ड 2015 परीक्षा में पूछा गया है और वीडियो की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते। चलिए अगला प्रश्न है, 45 नंबर, सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, सोन है। तो इसमें 45 नंबर में आपका सही ऑप्शन है कावेरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी। ठीक है, सबसे बड़ी भी आपको पता है कौन सी है? गंगा। ठीक है, चलिए चलिए इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए। इन विकल्पों के आधार पर अगर देखें तो जो कावेरी नदी है सबसे छोटी है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, जबकि कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1401 किलोमीटर है और नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। ठीक है, तो मिलते हैं इन दिनों में। अपना बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद। आपको नीचे वो